आपको बताएं कि लीगी एमपीए महर हामिद रशीद की गिरफ्तारी और रिहाई का मामला वजीराबाद में जिमनी इंतखाबात के सिलसिले में मौजूद थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में रिहा भी कर दिया, लेकिन दो गनमैनों को असलहा नुमाइश के जुर्म में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लीगी एमपीए महर हामिद रशीद की गिरफ्तारी और रिहाई का मामला है वजीराबाद में जिमनी इंतखाबात के सिलसिले में मौजूद थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में रिहा कर दिया। दो गनमैनों को इस लहर की नुमाइश के जुर्म में बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी वाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब से। जी जफर साहब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के एमपीए हैं मुस्लिम लीग नून के मेयर हामिद रशीद, वो वजीराबाद गए हुए थे जहाँ मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार तलत मंजूर चीमा के उनकी हमायत के सिलसिले में वो इलेक्शन लड़ रही हैं एक हल्के से, जहां दो गनमैन गिरफ्तार कर लिए गए मेयर हामिद रशीद के, और खुद मेयर हामिद रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन थाने ले जाने के बाद वहां इनको रहा कर दिया गया। लेकिन इनके दो गनमैन जैन भट्ट और जैन जट और बिलाल जट, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेयर हामिद रशीद का कहना है कि ये असला की नुमाइश नहीं थी, असला लाइसेंसी था। लाइसेंस याफ्ता असले की बिनाद पर गिरफ्तार करना जो है ये बिल्कुल खिलाफ कानून है। उन्होंने कहा इसके खिलाफ हम पंजाब असेंबली में आवाज़ भी उठाएंगे और ये इंतकामी कार्रवाई है गवर्नमेंट की, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसको यकीनी तौर पर हम इसके खिलाफ पंजाब असेंबली में जाएंगे, स्पीकर को भी इस सिलसिले में आगाह करेंगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझे थाने ले जाया गया और गिरफ्तार किया गया और बाद में रहा किया गया, लेकिन मेरे गनमैनों को असला याफ्ता लाइसेंस याफ्ता असला रखने के बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब हमें अपडेट करने के लिए।